आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऑरेंज कपकेक। उसके लिए चाहिए हमें 1 कप मैदा और 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर, 1/2 कप चीनी, 1/2 कप ऑयल और इसके अलावा 1 ऑरेंज चाहिए हमें। आम साइज़ का लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना और मीठा वाला लेना है। और इसके अलावा हम जो है ट्रे जो है वो हमने तैयार करके रख दी है कपकेक्स की। ये कपकेक हम जो है वो विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो जिस बर्तन में आपने बनाना हो उसको पहले प्रीहीट कर लें। उसके लिए हमने 10 मिनट पहले चूल्हा जला के नीचे नमक डाल के बर्तन में और फिर स्टैंड रख के उसको ऊपर से ढक देना। माल्टा हमने छिलके समेत लेना है, इसको आप इस तरह से काट लें। इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है वो नहीं इस्तेमाल करना, और इसके बीज है वो अच्छी तरह निकाल लें। बीज अगर हों तो कड़वाहट आती है, बाकी छिलके इसके साथ ही बहुत मज़े का बनेगा। इसके ऐसे आपने टुकड़े कर लेने हैं छोटे छोटे, देखें ऐसे आपने टुकड़े कर लेने हैं इसके। और इसके अलावा इसमें 2 अंडे भी जाएंगे, क्योंकि हम ब्लेंडर में बना रहे हैं इसलिए इसमें चीनी पीसने की ज़रूरत नहीं है। चीनी डालें ऑयल, इसके बाद अंडे डाल लें दो। और इसमें माल्टे भी, माल्टा जो है वो डाल दें। अब इसको अच्छी तरह ब्लेंड करके इसको दिखाते हैं आपको। इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड करना है ताकि चीनी भी अच्छी तरह हल हो जाए और माल्टे के छिलके भी अच्छी तरह इसमें पीस जाए। अब मैदा जो है उसको छान के, मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लें। बर्तन में बैटर डाल लें, अब इस बैटर में थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करें और इसको आराम से मिलाते रहें। देखें अब हम इनको अब केक के सांचों में डालते हैं। मेज़ा डालते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि इसको हमने, क्योंकि ये फूलेगा भी तो इसके फूलने की गुंजाइश भी रखनी है। ये जितना बैटर हमने आपको बताया है उसमें ये 8 से 9 जो है वो आराम से बन सकते हैं, तो 6 हम बना रहे हैं और बाकी हमने मुन्ना से केक बना लिया है।
हम ये ट्रे है बर्तन में रख देते हैं और शुरू में एक दो मिनट आँच जो है वो तेज़ करेंगे। दो मिनट फ्लेम हाई करके हमने फिर जो है दरमियानी आँच कर ली है, लो टू मीडियम, दम से थोड़ी सी ज़्यादा। आधा घंटा हो गया है, हम देखते हैं। देखें साइडें ब्राउन हो गई हैं, इसका मतलब है कि ये पक चुका है और हमारी स्टिक भी साफ है। अब हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे कप जो है वो तैयार हो गए हैं। हम इसको एक निकाल के तो आपको दिखाते हैं। देखें कितना मज़ेदार, इतना मज़ेगा बना है। और इसी तरह हमारा केक भी जो है वो बहुत अच्छा बना है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आइंदा फिर कोई नई रेसिपी के साथ, इसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।